एमबीके न्यूज चैनल की तरफ से एक बार फिर जोरदार स्वागत है। पूरमपुर से देखिए बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि मां दुर्गा के मंदिर मोहल्ला बम्मनपुरी निकट पंचम दास इंटर कॉलेज में ही पूरमपुर में शक्ति के प्रतीत मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ ही पूरा दुर्गा पूजा में आज सम्पन्न हुई है। आइए नजर डालते एक बार पूरी खबर पर। पूरनपुर के लिए मां दुर्गा मंदिर में से मोहल्ला बस मणिपुरी के लिए निकट पंच दास के लिए इंटर कॉलेज में जैसे पूरनपुर के शांति के प्रतीक मां दुर्गा की पूजा अर्चना का पर्व दुर्गा पूजा आज वह संपन्न हो गया है। वही पर वह दुर्गा पूजा के आज विजयदशमी के दिन साथ पारंपरिक पूजा के लिए अर्चना की गई है। वही पर वह पुष्य विशाल के लिए वह पत्नी चरण के साथ ही मां दुर्गा के लिए वह पूजी की गई है। वही पर वह दीप प्रज्वलन तथा वह शंख दबी के साथ आरती की गई है। स्थापन महिलाओं को वह सिंदूर फेरने के लिए साथ ही एक दूसरे को शुभकामनाएं भी तथा वह सुभागन रहने के लिए भी मंगल कामना करते हुए महिलाओं को खुशी का इजहार किया गया है। और दुर्गा पूजा के लिए वह अंतिम दिन पर मां दुर्गा देवी सरस्वती देवी और देवी लक्ष्मी गणेश देव और वह कार्तिक देव के लिए विदाई के लिए मेला पर वह नम आंखों से श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं को नमन किया है तथा मंदिर में पूजा के बाद बहुत बड़ा भंडारा किया गया है तथा श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। नवरात्रे 9 दिन के नवरात्रों को हम इतना स्पेशल मनाना चाहते हैं अपने पूरनपुर शहर मोहल्ला भवनपुरी में कि पूरा पूरनपुर तो पूरनपुर आज मतलब तहसील पूरनपुर जो है कि सारे लोग यहाँ आकर माता के सामने मत्था टेके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा, इस समय भी हम देख रहे हैं यहाँ पर कई हज़ार के हिसाब से आदमी पहुँचा हुआ, आदमी आ रहा है जा रहा है, बिल्कुल मेले का जैसा चल रहा है। तो ये समय पहले बता दिया जाता है कि यहाँ पर प्रोग्राम होना है? जी सर, ये सब हम लोग निश्चित करते हैं समय कि 9 दिन के नवरात दशहरा को हम लोग भंडारा का आयोजन करते हैं जिसमें हम पूरे पूरनपुर में अनाउंसमेंट मतलब हमारी तरफ से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके फिर हम इस कार्य को पूर्ण करते हैं। हम लोग हर साल यहाँ पे माँ की ज्योति अखंड ज्योति जगाते हैं, उसी उपलक्ष्य में आखिर के दसवीं वाले दिन भंडारा कराते हैं यहाँ पे। हम लोग हमारी टीम में 6 लोग हैं, श्री नत्थूलाल जी, श्री रामगोपाल जी, श्री विपिन जी, श्री राकेश जी, श्री राम भरोसे जी, कृष्ण गोपाल प्रजापति जी, ये सब हमारी टीम है। हम लोग सभी मिलकर आपस में शहर से चंदा लेकर के भंडारा कराते हैं। तो लगभग भंडारा कितने समय तक चलता है? भंडारा शुरू हमारे ये शुरुआत जो होती है 12 बजे हो जाती है और जब भी माँ की इच्छा होती है चलता रहता है। तो कितने दिन का प्रोग्राम होता है अपने यहाँ मंदिर पे? 9 दिन का। तो लगातार पूजा पाठ चलती रहती है? लगातार पूजा पाठ चलती रहती है। हमारे पंडित जी विपिन शास्त्री जी आते हैं कसंजा से, वही सारे पूजा पूजन के काम कराते हैं। तो जैसे कि आज लास्ट दिन है, आज ये प्रोग्राम मंदिर पे कितने समय खत्म होगा? ये शाम को 6 बजे तक चलेगा। देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को